तुम्हें गलत फहमी होती है कि केले के सेवन से इंसान मोटा हो जाता है। केले के सेवन के साथ वर्कआउट करना जरूरी होता है। यदि आप वर्कआउट कम और केले का सेवन तय मात्रा से ज्यादा करते हैं तो आपके शरीर पर चर्बी बढ़ सकती है। डिप्रेशन से राहत। कई रिसर्च से साफ हुआ है कि केले का सेवन डिप्रेशन के रोगियों को आराम देता है। केले में ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो आपको रिलैक्स फील कराता है। यही कारण है कि डिप्रेशन का मरीज जब भी केले का सेवन करता है तो उसे राहत मिलती है। इसके अलावा केले में पाया जाने वाला विटामिन B6 शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ठीक रखता है। आयरन। अनीमिया यानी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। यदि आप भी अनीमिया के शिकार हैं तो आपको केला अवश्य खाना चाहिए। केले के सेवन से शरीर में आयरन की कमी धीरे धीरे कम होती है और आपकी अनीमिया की समस्या में भी सुधार होता है। कब्ज। केला पेट में होने वाली कब्ज की परेशानी से राहत देता है। आप इसबगोल की भूसी या दूध के साथ केले का सेवन प्रतिदिन रात में सोते समय करें। ऐसा करने पर आपको पेट में होने वाली कब्ज और गैस की समस्या से राहत मिलेगी। ताकत बढ़ाए। केले का सेवन शरीर में खून की मात्रा बढ़ाकर शरीर की ताकत बढ़ाता है। प्रतिदिन केला और दूध का सेवन करने से व्यक्ति कुछ ही दिनों में दुरुस्त हो जाता है और उसके शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। सूखी खांसी में आरामदायक। यदि आपको या आपके बच्चे को सूखी खांसी या पुरानी खांसी की समस्या है तो केले का शरबत बनाकर पीना आपको आराम दे सकता है। केले का शरबत बनाने के लिए 2 केले को मिक्सी में लेकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें दूध और सफेद इलायची मिलाकर पिएं। पाचन क्रिया को बेहतर बनाएं। केले में पाए जाने वाले फाइबर से पाचन क्रिया सही रहती है। पाचन क्रिया सही रहने का परिणाम यह होता है कि आप तमाम बीमारियों से दूर रहते हैं। यदि आप भी रोजाना केले का सेवन करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। प्रदर रोग में फायदेमंद। केला और दूध की खीर को खाने से सुबह या शाम के समय प्रतिदिन खाएं या भोजन करने के बाद 2 केला का सेवन नियमित करने से प्रदर रोग में आराम मिलता है। इसके अलावा आप प्रदर रोग में राहत के लिए केला खाने के बाद दूध में शहद घोलकर पीने से भी लाभ मिलता है। लूज मोशन में फायदा करें। यदि आपके घर में किसी को दस्त लग गए हैं तो पके केले को फेंटकर मक्खन की तरह बना लें। अब इसमें कुछ दाने मिश्री के मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। ऐसा करने से लूज मोशन की समस्या में आराम मिलेगा। खून पतला करने में सहायक। केले का सेवन खून को पतला कर धमनियों में रक्त का संचालन दुरुस्त करता है। केले में पाया जाने वाला मैग्नीशियम शरीर में जाकर रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से धमनियों में रक्त का संचालन सही रहता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।